Okay, student, now let's start question number 3. Okay, student, सबसे पहले question read करेंगे हम. What is the question? The number of members in 40 families in Bihilar are as follow. Bihilar मतलब एक village का नाम है. वहां पे 40 फैमिलीज का उन्होंने सर्वे किया है, मतलब 40 फैमिलीज का इंफॉर्मेशन है. किस चीज से रिलेटेड? कि उनके फैमिली में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर. मींस यहाँ पे डेटा हमको क्या है, इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली. एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? होते हैं ना मेंबर फैमिली में, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, है ना. तो ऐसे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ए फैमिली, ऐसे 40 फैमिलीज का सर्वे किया गया है. ओके, तो वहां पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है. हो सकता है किसी फैमिली में 2 मेंबर्स हो, किसी फैमिली में 3 मेंबर्स हो, 4 मेंबर्स हो, 1 मेंबर्स हो, मे बी. कितना है वो इन्फॉर्मेशन इज गिवन. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट? सी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन बिहिलर आर एज फॉलो. द डेटा इज गिवन. नाउ प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल. फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब वही जो हम टेबल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं उसको? द टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसी को कहेंगे. ओके, एंड देन फाइंड द मीन मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज. हमें मीन मेंबर फाइंड करना है. सी स्टूडेंट, इन द फर्स्ट 2 क्वेश्चन टेबल इज ऑलरेडी गिवन. टेबल रेडीमेड था, सिर्फ हमें उसको फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स हमें वहां पे सिर्फ फिल करना था. बट इन दिस क्वेश्चन ओनली डेटा इज गिवन. हमें क्या करना है? टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाना है. तो कैसे बनाएंगे हम? सी जब ऑलरेडी गिवन होता है तो हम 3 कॉलम वहां पे देते, टैली मार्क्स उन्होंने नहीं देते. लेकिन जब हम प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट टेबल तो हम टैली मार्क्स को भी इंक्लूड करेंगे. तो हाउ मेनी कॉलम्स, कितने कॉलम्स होंगे टेबल में? 4 कॉलम्स. हाउ मेनी कॉलम्स? 4 कॉलम. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ स्कोर, जैसे यहाँ पे मेंबर्स ऑफ फैमिली कितने मेंबर्स हैं. देन टैली मार्क्स. नाउ टैली मार्क्स से हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी के हाउ मेनी टाइम्स द डेटा इज रिपीटेड. एंड लास्ट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्साइ, जो स्कोर होगा फर्स्ट कॉलम का और फ्रीक्वेंसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन. इज दैट क्लियर? ओके, तो सिंपली फर्स्ट मेक द टेबल ऑफ 4 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड टैली मार्क. फर्स्ट इज ऑफ एक्साइ, स्कोर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्साइ, टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी, एंड लास्ट कॉलम व्हाट स्टूडेंट? यस, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके स्टूडेंट, सो राइट इन द फर्स्ट कॉलम, व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम? इट इज ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स, दैट इज एक्स आई. नेक्स्ट कॉलम किसका होता है स्टूडेंट? यस, टैली मार्क्स.
थर्ड कॉलम, यस यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज फ्रीक्वेंसी, एफ आई. नाउ लास्ट कॉलम एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ फिल द इंफॉर्मेशन. व्हाट इज गिवन? सी फर्स्ट कॉलम कैसे करेंगे हम? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेंबर, ये एक फैमिली में मिनिमम कितने मेंबर हैं वो देखेंगे, और मैक्सिमम नंबर कितना है वहां से हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, सी जैसे आप डेटा देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि वन से स्टार्ट हुआ है. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? एक ऐसी फैमिली है जिसमें वन मेंबर भी है, तो वन मेंबर, देन सिक्स है, फाइव, तो मैक्सिमम नंबर सेवन है स्टूडेंट. सेवन से एट, ऐसे कोई भी फैमिली नहीं जिसमें एट मेंबर्स हैं, तो मिनिमम वन मेंबर, मैक्सिमम सेवन. तो हमें डेटा कैसे लेना है? वन असेंडिंग ऑर्डर, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्योंकि एट मेंबर्स है ही नहीं, सो लास्ट नंबर इज सेवन. नाउ देन आवर लास्ट इज ऑफ व्हाट? टोटल. टोटल फाइंड करना है, दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई एंड एन. ओके स्टूडेंट, सो हमने क्या कर दिया है? ऑल डेटा, ऑल ऑब्जर्वेशन वन टू सेवन. अब हम क्या करना है? सी स्टूडेंट, आप आपकी पेंसिल टेक इन योर हैंड, आपकी पेंसिल आप हाथ में ले लो ना. अब हम पहला नंबर देखेंगे वन, तो कितने टाइम्स उसको हम काउंट करें, क्योंकि डेटा ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम पहले काउंट करेंगे. सी टेक द पेंसिल, सी वन कितने टाइम्स आता है इसको, और जिसने आप जो आपने रीड किया है नंबर उसको कैंसिल करो, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगा कि ऑलरेडी हमने यूज किया है. सो वन कितने टाइम्स है? वन टू, ओनली टू टाइम्स, तो टू टैली मार्क्स, वन टू एंड नंबर टू. इन द सेम वे फॉर टू, कैलकुलेट टू हाउ मेनी टाइम्स? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एट टाइम्स है स्टूडेंट टू. सी केयरफुली कैंसिल करेंगे, वन टू थ्री फोर, दिस इज फाइव सिक्स सेवन एट. ओके नाउ थ्री कितने टाइम्स है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम्स है. वन टू थ्री फोर, नाउ दिस इज फाइव सिक्स सेवन. नाउ फोर हाउ मेनी टाइम्स? कैलकुलेट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अगेन फोर इज ऑल्सो एट टाइम्स, वन टू थ्री फोर, नाउ टैली मार्क फाइव सिक्स सेवन एट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? नाउ मूव टू विच नंबर? फाइव. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम्स, तो सी अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम्स. नाउ सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स सिक्स टाइम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. नाउ लास्ट सेवन, वन टू, ओनली टू टाइम्स, सो टैली मार्क एन टू. सी हियर हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट? एन, कैपिटल एन, एंड मोस्टली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि कितनी फैमिलीज का सर्वे किया गया है,
हाउ मेनी फैमिलीज का उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है? 40 फैमिलीज. तो हमारा ये आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट? 40 आना चाहिए. नाउ लेट्स चेक कैसे ऐड करेंगे. सी 2+8 10, 10+7 हाउ मच? 17, 17+8 18, 19, 20 प्लस ऊपर 25, 25+7 32, 32+6 38 into 40. स्टूडेंट 40 आ गया. वेरी गुड. तो हमारा ऑब्जर्वेशन सी पहले हम ये करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर यहीं आपने कहीं रॉन्ग किया है, एक कम ज्यादा किया है तो 40 नहीं आया, तो फिर आपका ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा. तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का ऐड करके देखो कि हमने बराबर काउंट किया है नहीं. 40 बराबर है. नाउ देन एफ आई एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. 2 1 2 8 2 16 7 3 20 1 8 4 32 7 5 35 6 6 36 2 7 14 तो अभी हमें फाइंड करना है समेशन एफ आई एक्स आई. नाउ सी यूनिट 6 7 8 9 10 11 11+5 इट इज 16, 16+4 20 20+6 26 कैरी 2 आउट. 1+2 3 3 6 9 12 13 14 15 तो 156. ओके हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? मीन फाइंड करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए मीन? मीन दैट मीन्स व्हाट? यस एक्स बार. व्हाट इज द फॉर्मूला? सिग्मा या समेशन एफ आई या सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. दोनों हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट. राइट द वैल्यूज. इट इज 156 डिवाइडेड बाय 40. सी स्टूडेंट 4 से डिवाइड होता है. सो 4 1 4 जीरो का जीरो. ना 4 3 12 13 14 15 3 रिमेनिंग 36 मीन्स 4 9 36. हमने 4 का ही टेबल रीड किया है. सो 39/10 ना स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 10 या डिवाइडेड बाय 100 जितना भी रहेगा. सी काउंट द जीरोस. कितने जीरो हैं? सी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर में 10 या तो 10 का मल्टीपल 100,000 तो हम सिर्फ काउंट करेंगे जीरो कितने हैं. 10 तो फर्स्ट राइट द न्यूमरेटर एज इट इज. जो भी न्यूमरेटर में रहेगा वैसे ही. नाउ 10 सो आफ्टर वन डिजिट फ्रॉम लेफ्ट मतलब हम यहाँ से राइट से यूनिट से के बाद वन डिजिट लगाएंगे. दैट मीन्स द आंसर इज 3.9. दैट मीन्स मीन क्वेश्चन क्या था? आपको क्या फाइंड करना है? द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज. द मीन ऑफ सी व्हाट? द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज. द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज हाउ मच इज? सी आप बोलेंगे स्टूडेंट ऐसे कैसे आया टीचर 3.9? ये तो होल नंबर नहीं है. 3% 3 मेंबर्स और 0.9 मेंबर. सी ये मीन है नॉट द एक्चुअल. एक्चुअल मेंबर तो कैसे है? किसी फैमिली में 1 मेंबर है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 मेंबर है, किसी में 5 है, 6 है, 7 है. लेकिन एवरेज या मीन कितना आएगा? वो 3.9. इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल. यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट? हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. उसके लिए हाउ मेनी कॉलम्स वी रिक्वायर्ड? कितने कॉलम लगेंगे हमें? 4 कॉलम. पहला होगा जो इन्फॉर्मेशन दिया है नंबर ऑब्जर्वेशन दैट इज स्कोर. जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है मेंबर्स इन ए फैमिली तो नंबर ऑफ मेंबर्स. देन वो कैसे लिखेंगे हम? सी मिनिमम नंबर देखेंगे डेटा में क्या है और मैक्सिमम क्या है उसका असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो हमारा नंबर सिस्टम है 1 2 3 वो असेंडिंग ऑर्डर में है. मीन्स स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे बिगर पे जाएंगे. ओके नाउ नेक्स्ट कॉलम इज टैली मार्क्स.
कि हाउ मेनी टाइम द नंबर इज रिपीटेड, उसको पहले टैली मार्क में लिखेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी के नंबर में. ओके, नाउ लास्ट कॉलम जो हमारा ऑब्जर्वेशन था एक्स आई और ये फ्रीक्वेंसी एफ आई दोनों का मल्टीप्लाई. ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन हमें एन देगा और इसका एडिशन हमें क्या देगा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई. इसको इससे डिवाइड करेंगे, इट गिव्स मीन एक्स बार. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अगेन सेम है, ऐसे ही करना है. सी स्टूडेंट, मैक्सिमम टाइम मोस्टली द एन दैट इज कैपिटल एन फ्रीक्वेंसी का एडिशन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इट सेल्फ. मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में ही होता है, जैसे 40 फैमिलीज का डेटा उन्होंने लिया है तो इट विल हमारे लिए इजी होता है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है. पहले हम एल कैलकुलेट करेंगे एन, अगर वो क्वेश्चन के इससे मैच हो गया देन फिर हम मल्टीप्लीकेशन एफ आई एक्स आई करेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द क्वेश्चन स्टूडेंट? द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदपुर. सी अगेन, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नंदपुर विलेज का या सिटी का जो स्कूल है इंडियन, सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल, मॉडल हाई स्कूल, वहां पे उस स्कूल के स्टूडेंट ने क्या किए है, प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं. करते हैं ना स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट, यस, और विच सब्जेक्ट, साइंस और मैथ्स एट स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पर इन्हें स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन, स्टेट लेवल पर एक साइंस, स्टेट लेवल मतलब जैसे पर्टिकुलर जो स्टेट हो, जैसे अपना महाराष्ट्र स्टेट, तो ऐसे स्टेट लेवल पे एग्जीबिशन था साइंस का. तो वहां पे नंदपुर सिटी के स्टूडेंट के विच स्कूल इन मॉडल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने क्या किया है, ईच ईयर उन्होंने वहां पे सब प्रोजेक्ट सबमिट किया है, बोथ साइंस प्रोजेक्ट एंड मैथ्स प्रोजेक्ट इन लास्ट 20 इयर्स. सी स्टूडेंट, 20 इयर्स का हमको डेटा दिया हुआ है के फर्स्ट ईयर में इतने प्रोजेक्ट सबमिट हुए, सेकेंड ईयर में इतने प्रोजेक्ट सबमिट हुए. ओके, तो ऐसे 20 इयर्स का डेटा हमें दिया है. डेटा 20 इयर्स का है, अबाउट व्हाट, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सबमिटेड, के कितने प्रोजेक्ट सबमिट हुए हैं, फर्स्ट ईयर में कितने हो गए, सेकेंड ईयर में कितने हो गए, ऐसा 1 to 20 इयर्स के हैं. और सबमिशन किसका है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का. ओके, तो हमें क्या करना है, अगेन प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा. अगेन हमें फ्रीक्वेंसी टेबल, तो अगेन हम कितने कॉलम बनाने हैं, हमें 4 कॉलम्स. सो स्टार्ट स्टूडेंट, अगेन मेक द टेबल सेम एज हमने क्वेश्चन नंबर 3 में प्रिपेयर किया था वैसे ही, ऑफ 4 कॉलम्स. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम यस नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, देन नेक्स्ट टैली मार्क, उसके बाद आता है नंबर ऑफ ईयर, कितने कौन से ईयर में कितना, एंड लास्ट फ्रीक्वेंसीज के बाद आता है एफ आई एक्स आई. That clear student? Okay. Now fill the information. First make the 4 column. 1, 2, 3. 4 column हमने prepare किया है. Okay. Now first column किसका रहेगा student? The data किसके बारे में है? Yes, number of projects. See short form number of projects. That is our एक्स आई टैली मार्क्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यस नंबर ऑफ इयर्स फ्रीक्वेंसी.
नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज फ्रीक्वेंसी एफ आई, और लास्ट कॉलम होता है हमारा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई. ओके, सो यहाँ पे सी स्टूडेंट अगेन 20 इयर्स का डेटा है, तो हमें एन ऑलरेडी पता है, एन 20 आने वाला है. ओके नाउ सी, कितने प्रोजेक्ट सबमिट हुए फर्स्ट ईयर में? 2, देन 3, 4. तो मिनिमम प्रोजेक्ट और मैक्सिमम प्रोजेक्ट. तो मिनिमम नंबर क्या है स्टूडेंट? 1, और मैक्सिमम है 5. सिंपल डेटा 1 to 5. तो राइट 1 to 5 इन असेंडिंग ऑर्डर. 1, 2, 3, 4, 5. ओके नाउ लास्ट कॉलम हमारा क्या होगा फिर लास्ट का? यस टोटल. ओके स्टूडेंट, अगेन टेक द पेंसिल इन योर हैंड. हैंड में आप पेंसिल लेंगे और कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट नंबर इज 1, हाउ मेनी टाइम्स आ रहा है उसको कट कर देना है 1 को. 1, 2, 3, 3 टाइम्स. 1, 2, 3, राइट द नंबर 3. 2 हाउ मेनी टाइम्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again 6. See student, be careful. 3, 4, 5 and 6. Now 4 how many times? Bahut hi kam hai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. Now 5. Yes, only 2. 1, 2. Now 2. Now capital N. As already given, कितना आना चाहिए ये? 20. Okay, देखेंगे. 3 plus 6, 9. कैसी 1, 2, ये 6 है, ये 6 है, और 3 और 3 भी क्या होता है? 6. तो 6 1 the 6, 6 2 the 12, 6 3 the 18, 18 plus 2, yes 20. आप ऐसे भी कर सकते हो. 9, 9 plus 6, 15, 15 plus 3, 18, 19, 20. अब ये करेक्ट आ गया. नाउ मूव टू दिस कॉलम, मल्टीप्लाई दिस टू. 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10. नाउ स्टूडेंट, सिग्मा या समेशन एफ आई एक्स आई. 3 4 5, 5 plus 8, 13, 14 15, कैरी 1. 1, 2, 3, 4, 5, इट इज 55. वेरी सिंपल. नाउ लास्ट, अब हम क्या करना है? मीन फाइंड करना है. सो मीन, व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट? अब तक तो आपको बाय हार्ट हो गया होगा ना. मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा या समेशन या सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. हमने दोनों फाइंड किया है, पुट कर देंगे वैल्यूज. व्हाट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई? 55 डिवाइडेड बाय एन इज 20. नाउ स्टूडेंट, पहले हम 5 से डिवाइड कर लेंगे. सी वेरी सिंपल, 5 1 जा 5 1 जा, 5 4 जा 20, मीन्स 11 अपॉन 4. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? 11 को 4 से डिवाइड करना है. 4 3 जा 12 बिगर होगा, तो हम क्या लेंगे? 4 2 जा 8. 11 minus 8 9 10 11, 3. Now see student, अगेन रिमाइंडर स्मॉल आ रहा है, डिवाइजर बिगर है. डिवीजन पॉसिबल होगा? नहीं होगा, ये बिगर चाहिए, तो इसको अभी हमें बिगर करना है. कैसे करेंगे? यस आवर फेवरेट, जो हमको बिगर करके देता है, इट इज अ डेसिमल पॉइंट. इस पॉइंट का मतलब इसने हमें इसको 10 टाइम्स बढ़ा देता है, मीन्स 1 0 हमको मिलता है, और वो सिर्फ 0 ही मिलेगा स्टूडेंट, और वो हम यहाँ पे लगाएंगे.
एक्चुअली ऐसे जीरो की तो वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन ये इसके नंबर के आगे लगता है तो 10 टाइम ज्यादा होता है, 3 बिकम्स 30। ओके ना, अब ये 4 से बिगर हो गया है ना, तो अब डिविजन होता है। तो 4 के टेबल में लेकिन 30 आता है क्या? नहीं आता है ऑब्वियसली। तो उससे पहले 4 7 28। ओके स्टूडेंट, ना 30 माइनस 28 29 32। अगेन इट इज स्मॉलर, दिस इज बिगर, डिवीजन नहीं पॉसिबल है। तो वापस हम लेंगे डेसिमल पॉइंट? नो स्टूडेंट, एक ही बार डेसिमल, एक सम में एक ही बार डेसिमल इज इनफ। हम दो दो तीन तीन बार नहीं ले सकते हैं, एक बार लिए खत्म हो गया ना। इस वापस हम जीरो ले सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन द डेसिमल पॉइंट। तो जितने बार हमको रिक्वायर्ड होगा हम जीरो ले सकते हैं। ना इट बिकम 20, ना 4 5 20, 0 0, डिविजन कम्प्लीट। सो द आंसर इज 2.75, दिस इज द मीन। सो स्टूडेंट फाइनल कैसे लिखेंगे हम आंसर? क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, देयरफॉर द मीन ऑफ गिवन डेटा, हाउ मच स्टूडेंट इज, हमने फाइंड किया है 2.75। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? समझ में आ गया? अगेन सिंपल, बोथ 3 and 4, सिर्फ हमें क्या करना है, डेटा इज गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, डेटा को हमको देखकर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करने के लिए 4 कॉलम रिक्वायर्ड है। पहला जो डेटा किसके बारे में है, दैट इज ऑब्जर्वेशन स्कोर एक्स आई, देन वो कैसे लिखेंगे एक्स आई, डेटा में देखेंगे मिनिमम नंबर, सबसे छोटा और सबसे बिगर नंबर, उसको असेंडिंग ऑर्डर में। सेकेंड कॉलम यस टैली मार्क्स, के कितने बार वो डेटा रिपीट हुआ है, टैली मार्क्स को काउंट कर फ्रीक्वेंसी, उसका एडिशन देगा एन, एंड मोस्टली मैक्सिमम टाइम एन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, हम चेक कर लेंगे क्वेश्चन में से कि बराबर है या नहीं। ओके देन मूव टू एफ आई एक्स आई, इसका और फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन, उसका भी एडिशन निकालेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मीन फॉर्मूला समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करेंगे सब डिवाइडेड बार ग्राफ और सब डिवाइडेड बार डायग्राम।